हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है? जरा एक बार लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी बच्चों तक? हाँ जी, प्रॉपर आ रही है। चलो तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, कल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? ईडियम्स वाले क्या कहते हो? क्योंकि तो ओपी क्वेश्चंस थे और ओपी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कुछ 5-6 क्वेश्चन शायद बचे हुए थे कल के। कितने कर लिए थे कल हमने? 35 हो गए थे। वो तो गए, कम ही बचे थे। 30 ये हो गया था ना, फॉल इन हीप है। चलो फटाफट 36 से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना शुरू करो बहुत तेजी से। मनोज कुमार, हाँ बेटा, एयरफोर्स में नहीं हुआ कोई बात नहीं। देख, जिनका हो गया है वो अपना जीडी की तैयारी में लग रहे हैं, और जिनका नहीं हुआ है तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। मैं यही कहूँगा, सबसे बेस्ट यही होता है कि फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। हाँ, पूरे जोरों शोर के साथ। चलो भाई, अब आंसर देना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अ रोटन एप्पल। तो रोटन एप्पल आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसे कहते हैं अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन। तो रोटन एप्पल कैसा व्यक्ति होता है बताओ जल्दी से। ऑप्शन आ गया आपके पास, लिखो फटाफट। वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल। अच्छे लोगों के ग्रुप में एक बैड पर्सन को हम लोग कहते हैं रोटन एप्पल। हाँ, पीडीएफ कल नहीं डाली थी क्या भाई? अच्छा, वो कह रहा है कि कुछ पूरे नहीं थे इसलिए आज डल जाएगी, आज क्वेश्चंस जाएंगे, पीडीएफ डल जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, 36 का आंसर मिल गया भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टू वोट विद योर फीट, अपने पैरों से वोट करना। हाथ से लोग वोट करते हैं लेकिन जो आदमी पैरों से वोट कर रहा है, पेन दूसरे थे इसने वो पकड़ ली, क्या नहीं, इंक, कोई और पेन नहीं है? हाँ, अरे यार मेरा सारा हाथ खराब कर दिया, इंक भी छोड़ देते हैं तुरंत, कैसे कैसे पेन बनाते हैं लोग। चलिए, टू वोट विद योर फीट, तो हाँ जी, पैरों से वोट करना मतलब ऐसा सोच लो कि आपकी इच्छा नहीं है, आपकी उस काम को करने की इच्छा नहीं है, तो अब बताओ कौन सा बैठेगा फिर। क्वेश्चन है आपका, वोट विद योर फीट, वोट विद योर फीट, तो क्या मीनिंग निकाल के देंगे हम इसका? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं उसको सपोर्ट करना। आ जाओ, टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, ये शो करना कि आप उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हो। तो मान लो मैं हाथ से वोट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मान लो कि भाई मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, वोट देने जा रहा हूं। ये हो गया पैरों से वोट देना, बोला हट हम नहीं सेलेक्ट करते इसको, तो इसका मतलब उसके विरोध में खड़े हो जाना। ठीक है जी, तो आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, वोट विद योर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेल क्लोज टू द विंड, टू सेल क्लोज टू द विंड।
हाँ जी, विंड के क्लोज होकर सेल करना, ठीक है, जैसे नाव को सेल करते ना वैसे, इसका मतलब आप एक तरीके से क्या मोल ले रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो। हाँ तो अब बताओ, सेल क्लोज टू द विंड, गोलू सिंह मेरा नहीं हुआ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्या होगा बता, सुसाइड करके कुछ होने वाला है, अगर कुछ हो जाए, कोई बहुत ज्यादा फायदा मिले तो बेटे फिर मैं भी तेरे साथ सुसाइड ही कर लेता हूं, है ना, बता, कोई फायदा लेकिन उससे मिलने वाला है नहीं बच्चे, है ना, तो इसीलिए फायदा मिलेगा मेहनत करने से, आगे की तैयारी कर, और एक सोल्जर कभी भी हार नहीं मानता। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो इसका आंसर होगा टू सेल क्लोज टू द विंड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसका मतलब होगा कि आप किसी खतरनाक सिचुएशन में हैं, तो टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, कुछ ऐसा करना, ठीक है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, बी टू बी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि टूटने की कगार पे होना, जब आप टूटने की कगार पे हैं तो इट मींस यू आर सेलिंग क्लोज टू द विंड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। हाँ सुसाइड वगैरह नहीं बोला करते बेटा, एक सेकेंड, ये नहीं वापस आएंगे, वो गलती से आ गया उसमें, अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं, डी, तुम कमेंट पढ़वा पढ़वा के ना मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो यार, ये सुसाइड वुसाइड की बात ना बोलो, यही इसका आंसर होगा, कुछ ऐसा करना जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, खतरे से भरा हुआ हो, ठीक है, ये ऐसे वैसे मैसेज मत लिखो यार, मेरा भी मूड खराब हो जाता है ऐसी बातें सुन के, नहीं कि बेटा PQRS की PDF डाल देना, ठीक है, बाबा के शॉर्ट्स, रिजल्ट में जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई नहीं, चलो CSB वालों से ये भी गुहार लगाई जाएगी कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, चेक हो, वैसे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है इस बात का भी प्रूव हुआ नहीं है, चेक करेंगे जैसा भी होगा। टू कट योर ओन थ्रॉट, अपना ही थ्रॉट काट लेना, अपना ही थ्रॉट काट लेना, अब बताओ, अपना ही थ्रॉट काट लेना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ वाला ऑप्शन मत लगा देना, अपना ही थ्रॉट काट लेना, कट योर ओन थॉट, बिल्कुल आसान है ये तो, कट योर ओन थ्रॉट, ए आ जाओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू कट योर ओन थ्रॉट का मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, टू बिहेव इन अ रिलैक्स मूड, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब है, इसका यहां पर जो प्रॉपर मीनिंग है बी जाएगा, लेकिन इसको मैं पूरा कर देता हूं, लिखो टू डू समथिंग, टू डू समथिंग दैट इज हार्मफुल, जो आपको नुकसान दे, कुछ ऐसा करना, सीधी सी बात, आप थ्रॉट काटोगे तो आपको नुकसान ही देगा, अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको नुकसान ही दोगे, ठीक है। कितने बच्चों का हुआ है, कल तक ही पता चलेगा, ये तो अभी कहां से पता चलेगा, अभी तो सारी टीम लग जाएगी रिजल्ट काउंट करने में, चेक करने में, तो कल आप कल तक का इंतजार करो, तब आपको पता चल जाएगा कितने का हुआ है। नेक्स्ट, चलो 2 सेंट्स लगाओ भाई, 2 सेंट्स, हालांकि सेंट्स जो है वो पैसे के लिए यूज होता है, लेकिन आप फिर भी सोचो कौन सा आंसर होगा। AIR1, पता नहीं भाई, देखो AIR1 किसका आएगा, अभी तक जो हमारी नजरों में जो लड़का हाईएस्ट रहा है वो एक्स ग्रुप में 60 मार्क्स हैं और वाई ग्रुप में 46.25 है, तो अब इतने में से 50 में से ये 70 में से, तो समय बता, इतने नंबर तो भाई साहब ये भी टॉपर, ये टॉपर ही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। अच्छा एक ही लड़का है जिसके एक्स में भी इतने, वाई में भी इतने, खतरनाक, और ये पिछले साल का ऑल इंडिया टॉपर भी है, मेहनत करने वालों को।
कमी नहीं होती। बाकी अब ऑल इंडिया टॉपर कौन बनेगा वो तो अभी जीडी के बाद पता चलेगा, लेट्स सी देखते हैं क्या रहेगा। तो टू सेंट्स क्या होते हैं भाई साहब? टू सेंट्स होते हैं एन ओपिनियन ऑफर्ड ऑन अ टॉपिक। जब आप किसी टॉपिक पर ओपिनियन देते हो तो उसे कहते हैं टू सेंट्स। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, आगे 65 भी हो सकते हैं वाई एक्स ग्रुप में या जो भी हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, सपोज करो किसी के 70 में से 70 भी हैं और वो जीडी आउट हो गया, तो उसके नंबर का कुछ नहीं है, वो सब बेकार है। वो सब काउंट तब होगा जब आगे जीडी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। योर गैस इज एज गुड एज माइन, योर गैस इज एज गुड एज माइन। तुम्हारा जो गैस है वो वैसा ही है जैसा कि मेरा। तो अनुमान लगा रहे हैं बस, इसका मतलब आपको श्योर पता नहीं है। फटाफट आंसर। हाँ, शेर का मुंह किसने धोया, अगले की तैयारी करेंगे। ये लड़का मुझे पसंद आया है। चलो फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। कौन सा होगा जी? चलो, योर गैस इज एज गुड एज माइन। तुम्हारा जो गैस है वो उतना ही अच्छा है जितना भी मेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? समथिंग इज नॉट राइट एंड देयर माइट बी अ रीजन फॉर इट। तो आंसर क्या होगा इसका? आई हैव नो आइडिया। लिखो फटाफट जल्दी से। जब आपको किसी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है तब उसे कहते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन। हाँ, हो सकता है, ठीक है जी। तब आप उसे कहते हैं कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है या आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। रोल योर स्लीव्स, ये तो मैंने कल कराया था शायद, नहीं ये नहीं कराया था, वो अलग था। रोल योर स्लीव्स अप, अपनी स्लीव्स को जैसे हम कहते हैं ना, यूं 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 ले भाई अब बता, है ना, ऐसे। दिस इज कॉल्ड रोल योर स्लीव्स अप। हमें तो मैथ ने लूटा, इंग्लिश में कहां दम था, हाँ? एक से एक शायर। रोल योर स्लीव्स अप, इंग्लिश में हम लूटने ही नहीं देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। रोल योर स्लीव्स अप का मतलब होता है, लिखो फटाफट, टू प्रिपेयर फॉर हार्डवर्क, हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाना। ये तो आपने, मेरा नहीं हुआ फिर भी मैं खुश हूं, ऐसे होने चाहिए बच्चे, है ना। ये नहीं तो वो, एक नहीं तो दूसरा। झुकना नहीं है, डरना नहीं है। हैप्पी रक्षाबंधन, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। आइए, तो कौन सा बैठेगा? गेट कोल्ड फीट। कौन सा है गेट कोल्ड फीट? यानी कि डर जाना। सो व्हेन योर फीट गेट कोल्ड, तो इट मींस यू गॉट फ्राइटेंड, अफ्रेड, डर जाना। डी। इतनी एनर्जी कैसे आती है अपने भाई? एनर्जी कुछ नहीं, बस जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी चीज जो इंसान को निभानी पड़ती है। सुबह से खड़े खड़े 7 बजे से ये टाइम आ गया, 7 से 7 12, और ये लगा लो 13-14 घंटे। इतना तो मुझे लग रहा है नॉर्मली भी आदमी काम नहीं करता। हाँ चलो फिर नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हैव अ कैट इन हेल चांस,
हैव अ कैट इन हेल्थ चांस। अब हेल्थ चांस से लगा लो, हेल्थ चांस का मतलब है कितना चांस किसी भी चीज को होने का, ना के बराबर चांस, ठीक है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब होगा टू हैव नो चांस, नो प्रोबेबिलिटी किसी काम को करने की। हो गया है, अब हो गया है तो नालायक आदमी, ज्यादा खुश मत हो, अब हो गया है जी कर ले, ठीक है, क्योंकि ये खुशी केवल 20 दिन की है। सही बता दूं आपको, ये खुशी केवल 10 दिन की है, 20 भी नहीं, 10, 21 तारीख से जीडी स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल खुशी जो होगी वो फिर उसके बाद होगी, 21 तारीख के बाद, जब आपका जीडी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी आधा काम हुआ है, जैसे एनडी वालों का नहीं होता रिटर्न आने के बाद, क्या बे नाला कह के, ओ नाली कह, क्या होता है वो, नाले में कुदा दिया, ऐसे वाला फीलिंग। चलो, सेपरेट शीम फ्रॉम गोट, बकरी से शीप को अलग करना, बकरी से शीप को अलग करना, अब लगाओ बुद्धि, बकरियों से शीप को अलग करना, आ रहे हैं आपसे मिलने हम। हाँ बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। कौन सा बैठेगा भाई? ए, टू चूज पीपल और थिंग्स ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के लोगों को चूज करना, मिक्स क्वालिटी के लोगों में से अच्छी क्वालिटी के लोगों को अलग करना, ठीक है। ये बच्चा पेड कोर्स के लिए बार बार स्पैम कर रहा है, इसको बोलो कि भाई पेड कोर्स के बारे में बाद में बताया जाएगा, अभी पढ़ ले। हो गया भाई 45। ए, इन फॉर अ पैनी, इन फॉर अ पाउंड, इन फॉर अ पैंडी, इन फॉर अ पाउंड, करके रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, इसका अर्थ होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्ते तो ले लो चौधरी जी, नमस्ते ले लिए भाई तेरा, आ जा। इन फॉर अ पैनी, इन फॉर अ पाउंड, मतलब हर हाल में करना है, लिखो, टू फिनिश टास्क, किसी काम को पूरा करना, चाहे ये कठिन हो, चाहे महंगा हो, या कुछ भी हो, हर हाल में उस काम को पूरा करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सर मैं भी आ रहा हूं, अरे भाई आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, जिसको भी तैयारी करनी है आ जाओ। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि जिसका हो जाएगा, वो बच्चे पहले से ही लगे हुए हैं आधे बच्चे तो। चलिए, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, अपनी दवाई का टेस्ट खुद लेना, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। प्रिंस, मेरा एयरफोर्स में हो गया है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपकी जॉब लग जाए जल्द से जल्द, फिर आपकी शादी हो अच्छे, फिर आप हमें नौता दें। है भाई, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा आपको, आशीर्वाद। टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, मतलब वैसा व्यवहार करना जैसा आपने दूसरों के साथ किया है, क्या बना, डूइंग अ नेस्टी थिंग टू अ पर्सन, टीचिंग समवन अ लेसन, डूइंग टू द पर्सन व्हाट द पर्सन डिड टू अदर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा करना जो आपने दूसरों के साथ किया हो, वैसा ही करना, जैसा दूसरों के साथ किया वैसा ही। आप कहां से ऑफलाइन? मैं ऑफलाइन कहां से हूं, देहरादून से ऑफलाइन हूं। कोचिंग से कितनी दूर है आईएमए? आईएमए कोचिंग से तो दूर है, पर घर से मेरे पास ही है। क्या करना है तुम्हें आईएमए का बताओ, आईएमए आने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो रोज सुनता रहता हूँ आईएमए गोलियों की आवाज, सुन सुन के सुबह सुबह ही सायरन बज जाता है वहां पे। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये एनडीए में आया हुआ ऑलरेडी, आसान है ये तो। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? डक्स एंड ड्रेक्स प्ले करने का मतलब है कि
पैसा क्या करना, बर्बाद करना, स्क्वेंडर मनी, लिखो फटाफट, टू स्क्वेंडर मनी। चार साल बाद होगी शादी। हाँ तो तुझे क्या अभी करनी है, अभी तो तू बच्चा ही है भाई, अभी से शादी करके क्या करेगा। ईट एन एलिफेंट वन बाइट एट ए टाइम, मतलब समझ रहे हो, एक बाइट में पूरे हाथी को खा जाना, लगाओ बुद्धि। बहुत आसान है, एक बाइट में पूरे हाथी को निकल जाना। सोनम तिवारी, यू आर प्रो, प्रो या ब्रो, क्या लिख रही है लड़की ये, प्रो ब्रो में तो लिखो कुछ। ईट एन एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम, एक साथ पूरे हाथी को निकल, डोंट इन्वॉल्व टू मेनी पीपल इन टास्क। तो आंसर क्या होगा, टू टैकल अ ह्यूज जॉब एट अ टाइम, तो आंसर होगा एक बड़ी जॉब को एक समय पे फिनिश कर देना, हाथी को निकलने जैसा है। आरआईएमसी की, आरआईएमसी तो घर के सामने है, आरआईएमसी देख देख के तो मैं, बताओ कहो तो कल परसों को जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आरआईएमसी की विजिट कराऊं तुम्हें लाइव, घर के, घर से, घर की छत से ही तुम्हें विजिट करा दूंगा आरआईएमसी। आईएमए तो नहीं करा, आईएमए में थोड़ा सा क्या है, आईएमए में वो है ना, वहां से चारों तरफ उन्होंने वो लगा रखे हैं, सामने से एंट्री करने फिर मोबाइल नहीं चलने देते वो। आरएमसी तो घर से, छत से ही दिख जाएगा, वहीं से ही वो आपको पूरा नजारा, ऊपर से उन्होंने वायरिंग कर रखी है आईएमए वालों ने, प्लास्टिक ग्रीन, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटी टू स्माइल वर्थिंग। हाँ जी, प्लास्टिक ग्रीन, अब ग्रीन से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक ग्रीन कौन सी ग्रीन है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बताओ फटाफट। ओपी क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ओपी चल रहे हैं कई दिन से। गुरु जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास रह सकता हूं क्या। हाँ, सारे बच्चे मेरे पास ही रहे। आओ, अ फोर्स्ड आर्टिफिशियल स्माइल, लिखो ग्रीन स्माइल को कहते हैं, और प्लास्टिक ग्रीन कैसी स्माइल हो जाएगी, आर्टिफिशियल स्माइल। कई बार होता है ना आजकल सेल्फी लेने के लिए लोग है ना, मतलब गुस्से में है और वाइफ ने कहा अरे जी मुस्कुराओ जरा, बेकार है ना, तो इसका मतलब वो कैसी ग्रीन हो जाएगी, प्लास्टिक ग्रीन। आ जा भाई आ जा, हो गया। कौन से में हुआ, एक्स कितने बन रहे हैं, इतने सारे, आ जा तो आ जा तो बधाई का पात्र है। लो भाई मिलो एक शेर से, ये एक्स ग्रुप का हुआ है इसका, इसके लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार दिलों की बरसात हो जाए, ऐसे ऐसे धुरंधर कल से तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बधाई दो एनडी वालों, ये तुम्हारा एल्डर, तुम्हारा बड़ा भाई है, बधाई दो अपने बड़े भाई को, सीनियर कहते हैं वैसे फौज की भाषा में, तो अपने सीनियर को बधाई दो, लिखो ऑल द बेस्ट और दिल फेंक के मारो फटाफट, आज ये जा रहे हैं कल तुम्हारा भी नंबर है, और फौज में हमेशा अपने जूनियर सीनियर का सम्मान हमेशा होता है। जल्दी से फटाफट ऑल द वेरी बेस्ट लिखो, अब ये जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और जीडी के बाद फिर आप, नंबर कितने हैं 45, एक्स ग्रुप में है, 28 मेरिट गई है, 45 मार्क्स है, मतलब कन्फर्म होना ही होना है। और बोलने में तो ये वैसे भी क्लास में भी सर में दर्द रखता है, ठीक है, बोलने के मामले में तो ये इतना माहिर है, ठीक है जी। तो मेहनत करने वाले बच्चे हमेशा कामयाब होंगे, ठीक है, हमेशा नाम रोशन करेंगे। चलो भाई ऑल द बेस्ट आपके, आप लोग के लिए, ठीक है। अब एनडीए वालों के लिए दो शब्द, मैं इटावा से हूँ, यूपी इटावा, अभय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, यस सर। और बस सर यही कहना चाहते हैं सर, जितना भी कर रहे हैं इंग्लिश में मोस्टली प्रैक्टिस का है सर खेल, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया स्कोर होगा जाकर। 18.75 एक क्वेश्चन। लेवल तो सर जबरदस्त है सर, इससे बाहर जाना ही नहीं है सर। ठीक है सर। हाँ जी,
हाँ ये हॉस्टल में ही रह रहे हैं सारे बच्चे, हॉस्टल वाले ही हैं भाई। देखो यार खुशी होती है, बच्चे मेहनत करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कोई एनडीए निकालता है, कोई सीडीएस निकालता है, कोई ओटीए निकालता है, कोई एफकेट निकालता है, कोई एयरफोर्स निकालता है। मेन है कि बच्चे कामयाब होना चाहिए कहीं से भी हो। आवाज आ रही है, देखना आवाज आ रही है। तो प्लास्टिक ग्रीन हो गया भाई, खत्म हो गए इडियम्स, खत्म हो गए हमारे। अच्छा सुनो, पीक्यूआरएस की पीडीएफ ये बनी हुई है, ये डलवा दूंगा मैं आपके उसमें, ठीक है? ये कर लेना सॉल्व, ये इसने डाली नहीं थी नालायक ने, ठीक है? ये डलवा देंगे पीक्यूआरएस की, फिर मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो सॉल्व करा देंगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से, पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो हो जाओ तैयार, आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नाइदर नॉर, आइदर और है, ये तो बतेरे आपने बहुत कर लिया यूट्यूब पे, एनडी और सीडीएस लेवल। हाँ जी देखते किसने पकड़ा। द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक लीडिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कॉज्ड, क्या हो गया, क्या हुआ उसकी वजह से, कॉज्ड अ फॉल ऑफ 62.5% इन द डिटेक्शन ऑफ एक्टिव लेप्रोसी केसेस। एक्टिव लेप्रोसी केसेस में 62.5% की गिरावट आई है, कब से कब तक, बिटवीन अप्रैल, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में। इसका मतलब अगर आपने ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कंजेक्शन कहता है कि बिटवीन का पेयर हम किससे बनाते हैं, एंड से। यहां पर बिटवीन का किससे बना हुआ है, एज वेल एज से, तो यहां बिटवीन हो जाएगा अप्रैल एंड सेप्टेंबर के बीच में, तो आंसर सी ओपी हो गया जी। मेरा एक्स ग्रुप में हो गया है 41 नंबर, चलो बहुत बहुत बधाई। बधाई लेने के बाद तैयारी भी शुरू कर दो फेज टू की फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इज इट स्पॉटिंग एरर, हाँ स्पॉटिंग एरर ही है और क्या। एक काम करूं क्या, हटा दूं फिर इन्हें, क्या कहते हो बताओ फटाफट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमें तो वही करने हैं जैसे नॉर्मली टीचर्स यूट्यूब पे करा ही रहे हैं आपके क्वेश्चंस को, आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज के साथ ये जुड़े तो ये फलाना ढिमकाना, तो बताओ फिर मैं इनको हटाऊं। हाँ भाई खड़गवासला की जनता क्या कहती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, यही करना है या दूसरी पीपीटी लगाऊं। लेवल 1 भी है मेरे पास, एयरफोर्स वाला भी। इसे चलने दें बस, तो फिर वैसे तो तुम दिन भर इधर उधर पढ़ते ही रहते हो, उनका क्या करना है। आओ, यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम कौन है, स्मृति ईरानी, हैज सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो क्या कहा, दैट की अ चिल्ड्रन सेंट्रिक स्कीम, अ चिल्ड्रन सेंट्रिक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो चिल्ड्रन सेंट्रिक स्कीम है, हैड सीन, उसने देखा है एक 390% इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन फॉर 2000 फॉर 2014।
एलोकेशंस फॉर 2014, हाँ, यानी कि जो एलोकेशन हुआ 2014 के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा, हैज सेड दैट कि अ चिल्ड्रन सेंट्रिक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डन। अब बताओ फटाफट क्या बनेगा इसका। सिंस लगा दिया, एक सेकेंड, सिंस फॉर 2014 इन बजटरी एलोकेशन। चलिए, इसका मतलब तुमने उसको पकड़ ही लिया आखिरकार। आ जाओ तो फिर फटाफट, अब सुनो, वो कह रहा है 2014 में जो ये अलाउ हुआ था तब से लेकर अब तक एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। तो यहां पर सिंपल हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करना था, फॉर की जगह सिंस। तो क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इजिली मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाँ भाई, लाइक वाइक भी करते रहो या लाइक करने में शर्म आ रही है आप लोगों को, या ये भी कहना पड़ेगा। फिफ्टी एट एक्स ग्रुप, बहुत बढ़िया। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्म, तो सिंपल पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा ना होने, अनकाउंटेबल, तो सीधा यहां से एस हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इंडिया एडमिट कार्ड आ गया है। चलो, द फॉर्मर जोनल डायरेक्टर ऑफ एनसीबी, एनसीबी के जो फॉर्मर इससे पहले डायरेक्टर थे, ठीक है जी, इज, उन पर आरोप लगाया गया है किस चीज का, अपनी एज को फालसीफाई करने का, टू ऑब्टेन अ लीकर लाइसेंस, यानी कि उन्होंने एक लीकर लाइसेंस लेने के लिए सब कुछ किया। तो क्या आंसर मिल रहा है, लेट्स सी किसने पकड़ा। इसका आंसर होगा बी, accuse के साथ हमें कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी होती है, ऑफ, accuse ऑफ समथिंग, ना कि accuse विद समथिंग। तो यहां बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपकी ही बदौलत आपसे ही सैल्यूट करवाना है। हम सैल्यूट करने के लिए तैयार हैं, आप काम तो करो जरा सैल्यूट मारने की। हो गया भाई, आओ। एन एट ईयर ओल्ड गर्ल, एक 8 साल की लड़की जो अनेबल थी अपना, दैट वॉज अनेबल टू ओपन हर माउथ रिजल्टिंग इन हर इनएबिलिटी टू इट, वो खा नहीं पा रही थी और चबा भी नहीं पा रही थी। सुनो ध्यान से, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपने देखा वॉज अनेबल, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, वर्ब, और वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हुम की जगह क्या हो जाएगा, हु, तो हु वॉज अनेबल, हाँ, हुम की जगह हु वॉज अनेबल। आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एसर्टेड, क्या कहा उन्होंने, ये बात जोर डालकर कहा कि सरकार जो है पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, और किस काम, किस चीज के लिए, अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा गेटवे बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट, बनाइए। डिफेंस वॉरियर क्या कह रहा है, सर आपकी वजह से आज 20 में से 20 आ गए, 20 में से 18 सही गए। मोहित कुमार कह रहा है पेपर निकाल ना निकलने पर घर वालों ने बाहर निकाल दिया, तू कित तो दीवार से जंप मार के अंदर पहुंच जा, बोला निकालूंगा तो पेपर यहीं से चाहे कुछ भी हो जाए।
आओ भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जो है वो काम कर रही है फिल विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ अरुणाचल प्रदेश को एक बड़ा गेटवे बनाने के रूप में। तो यहां पर कह रहा है टू विद फुल फोर्स, टू प्लस वी वन, इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस वी वन, तो यहां टू मेड की जगह क्या हो जाएगा, टू मेक, अरुणाचल प्रदेश को एक गेटवे बनाने के लिए। राज शुक्ला इंग्लिश सॉरी एक्स ग्रुप में 61, खतरनाक नंबर आ रहे हैं इन बच्चों के, इसका मतलब एक्स ग्रुप में, और मेरिट गई है 28। चलो अगला क्वेश्चन, इसको मैं ओपी जरूर लिखूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ये पता नहीं क्यों ये आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल पड़े हो और तुमने मेरा लेवल पकड़ना शुरू कर दिया, फिर तुम तबाही मचा के जरूर आओगे। चलो आ जाओ देखते हैं क्या बनेगा। सिक्स माइग्रेंट वर्कर्स वर किल्ड, मारे गए, पास्ट टेंस चल रहा है, एंड और एंड से जुड़ा, और 14 लोग, 6 लोग तो मारे गए, 14 लोगों को क्या हुआ, बर्न इंजरीज, इसका मतलब वो जल गए एक तरीके से, है ना, लेकिन बर्न इंजरीज भी उन्होंने सस्टेन की, तो ये घटना भी तो पास्ट की है, तो यहां पर सस्टेन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सस्टेन्ड बी। और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं बर्न का बर्न कर रहे हैं, बर्न नहीं होगा वो, तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है इंजरी की, तो आंसर होगा सस्टेन, ये है वर्ब, सस्टेन्ड बर्न इंजरीज। बाकी सब ठीक है, देखा मैंने कहा था ना इस बार तुमसे पकड़ना भारी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निशान चौधरी मेरा हो गया है, चलिए बहुत बधाई आपको। हाँ जी बनाओ भाई जरा, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड टू पर्सन्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ो अब। ए ए वाले तो नहीं होगा, बी पर शक है, शक का क्या मतलब है, मैं कान में मारू तेरे, भी शक है क्या मतलब, क्या यहां पर है तुक्के मार रहा कि शक है मुझे इस पे, या चोर पुलिस डकैत लग रहा कि इस पे शक है मुझे, ए भाई एरर निकाल रहे हो, या शक, ये शक शक का खेल खेल रहा है, ये एनडी वाले इसीलिए हरामी होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड टू पर्सन्स इंक्लूडिंग, उनमें से कौन कौन था, एन ओडिशा बेस्ड किंग पिन, ठीक है, एक ओडिशा बेस्ड किंग पिन था, फॉर किस वजह से, किस वजह से अरेस्ट किया, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व थे, गलत चीजों में इन्वॉल्व थे, तो फॉर एड्स की जगह क्या आ जाएगा, फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट, लोगों के लिए, पर्सन के लिए देयर। हाँ नालायक ऐसे बोला, शक है मुझे, अबे शक शक क्या होता है, एक देखो ये नया आया, एक करास पर्सन में शायद ऐसा नहीं लगता,
पूरे तुक्केबाज हैं। अबे पर्सन का प्लूरल पर्सन सी तो होता है, और पीपल भी होता है, लेकिन ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती थोड़ी ना है। बताओ, लेट्स सी। इन स्पाइट फॉर रिडक्शन इन रिवेन्यू, रिवेन्यू में रिडक्शन होने के बावजूद, ओइंग टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से, भाई ये आया था कोविड-19 की वजह से रिवेन्यू कम होने लगा लोगों का, एंड कट इन एलोकेशन टू, और बहुत सारी स्कीम्स में क्या हुआ, कट हुआ। तो स्कीम्स प्लूरल है, तो मच की जगह क्या होगा, मैनी स्कीम्स। सी, सी नहीं बेटा, सी कहां होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई लेट्स सी। द रोड नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हिस्से में जो रोड नेटवर्क है, इज फाइनली गेटिंग, इज सही है। कई बच्चे मैं देख रहा हूं आर, आर कैसे लगा रहे हो मुझे बताओ। द रोड नेटवर्क, ये हो गया सब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन के बाद डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो नेटवर्क है, नेटवर्क सिंगुलर तो है। द रोड नेटवर्क इज फाइनली गेटिंग ओवरहॉल से पहले एन ओवरहॉल, ए ओवरहॉल नहीं होगा, एन ओवरहॉल। किसने पकड़ा कमेंट बॉक्स में फटाफट, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट किसने पकड़ा। हाँ जी, संकरा ऑफलाइन बैच, ग्रुप वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप 52। बेटा फटाफट जल्दी से जीडी के लिए लग जा, 52 तो बहुत है। हाँ जी आ जाओ, मधाबी पुरी बच, पकड़ पाओगे इसको, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, है? मधावी पुरी बच ऑन मंडे, मंडे से पहले ऑन सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वॉज अपॉइंटेड, किसी के द्वारा अपॉइंट हुए, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, मधावी, मधावी पुरी बच मंडे को अपॉइंट हुए किसके रूप में, न्यू चेयरमैन, चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के चेयरमैन, ठीक है जी। द फर्स्ट वुमेन, अच्छा हुई ये महिला है, द फर्स्ट वुमेन टू हेड द कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी बॉडी, यानी ये पहली महिला थी जो हेड के रूप में काउंट हो, ये कॉमन नहीं है पूरा है, द फर्स्ट वुमेन, ठीक है ये भी सही है। तो गलती कहां है, सिंपल है, अपॉइंट लाइक नहीं लेता अपने पीछे, क्या आएगा एज, अपॉइंट एज न्यू चेयरमैन, ना कि अपॉइंट लाइक न्यू चेयरमैन। अब बताओ ये किस किसने पकड़ा ए में, फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो कि सर मैंने इसको पकड़ लिया था। चलिए,
जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का एरर पकड़ेगा मैं उसका नाम ले लूंगा, क्योंकि इसमें इसको मैं लिखूंगा ओ ओ ओ पी, ये ओपी का पिताजी है। लेट्स सी, देखते हैं कौन पकड़ेगा इसको। अच्छा जी, इतने बच्चों ने पकड़ लिया, आप इतने इंटेलिजेंट हो गए क्या? हाँ भाई, मिला कुछ? अब देखते हैं किसको मिला। डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियन, ठीक है जी, वहां से निकाले हुए यूक्रेनियन अराइव्ड ऑन अ ट्रेन। अब कह रहा अराइव के पीछे एट लगेगा, भाई जगह थोड़ी है ना। वो एक ट्रेन पर आए टू जहोनी हंगरी लेट ऑन संडे, संडे नाइट आए। द यूएन हैज फॉरकास्ट, यूएन ने ये बात पहले से प्रेडिक्ट की है कि एज मैनी एज, कि लगभग 4 मिलियन रिफ्यूजी जो हैं वो यूक्रेन से जाएंगे, वहां से निकलेंगे। तो विल मॉडल अपने पीछे सेकंड फॉर्म नहीं लेता, मॉडल अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेता। किसने ओपी दिमाग लगाया, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ। हाँ जी, बेईमानी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
हाँ भाई आवाज चला गया था, ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर नेशनल्स पीपल के लिए था, और पीपल के लिए विच की जगह क्या यूज होना होता है, हु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक छोटी सी हिंट है, हिंट नहीं मतलब मिस्टेक है, ये मैं आपके ठीक कर देता हूं, दैट करेक्शन कर दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले का, करने वाले का नाम मैं फटाफट लूंगा, लेट सी कौन करेगा। हाँ जी, किसने निकाला, आ जाओ फटाफट, शाबाश, आप कहीं ने निकाल दिया। मिस्टर जोशी वॉज हाउ एवर श्योर, वॉज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का क्लॉज भी किसमें जाएगा, पास्ट में, तो विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। कुछ बच्चों को देख रहा हूं श्योर के पीछे ऑफ लगा रहे, ऑफ तब लगता है जब ऑब्जेक्ट दिया हो, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां आगे क्लॉज दिया हुआ है, श्योर ऑफ समथिंग, तब वहां ए में एरर निकालते, तो ऑफ नहीं आएगा, विल का पास्ट वुड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबके लिए चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद नहीं कर पाएंगे आप, क्वेश्चन ओपीपी कर देते हैं इसको। कौन सा बनाओगे, नो एरर, चलो। व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, जब मैंने राइटिंग द लेटर यानी कि लेटर लिखना फिनिश कर लिया, तो आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को एडमायर करने से नहीं रोक पाया कि मैंने इंपॉसिबल चीज को अचीव कर लिया। अब देखो बेटा, टू के बाद वर्ब की क्या लगती है, ये लिख लेना कॉन्सेप्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, लेकिन जब टू के बाद हैव लग जाए तो फिर वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, और टू प्लस वी वन को कहते हैं इन्फिनिटिव। तो यहां टू हैव अचीव्ड आएगा, ना कि अचीव। सी, एक कह रहा टू हैड, नालायक आदमी, टू के बाद हैड नहीं आता इन्फिनिटिव में, परफेक्ट बनाना हो तो हैव ही लगता है, टू हैव इन अचीव्ड। किस किस का सही हुआ आप बताओ फटाफट, हाँ जी हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर, तो मुझे एक ऐसे कंट्री का नाम बताओ
जहां पर हर सिटीजन जो है लॉ को फॉलो करता है और वहां कोई ट्रबल नहीं है। ए कर लो फिर बताता हूं। चलिए भाई देखते हैं क्या मिला। टेल मी द नेम ऑफ, मुझे नाम बताओ उस कंट्री का जहां पर हर सिटीजन लॉ अबाइडिंग है और वहां कोई ट्रबल नहीं है। तो नो ट्रबल मतलब सिंगुलर है, इज बिल्कुल सही है वहां पर। एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग, ये भी सही है, लॉ को फॉलोने वाला। तो इसका कह रहा है उस कंट्री का मतलब दैट इज अ पर्टिकुलर कंट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, द कंट्री। टेल मी द नेम ऑफ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन, जहां पर, पकड़ लिया ये भी, इसका मतलब खतरनाक होते जा रहे हो तुम लोग। इसे तो मुझे लग रहा है देखते ही उड़ाओगे फटाफट। चलो मैं इसको हटा रहा हूं फटाफट, देखते क्वेश्चन का आंसर बताओ तेजी से। हो गया, मुझे पता था जैसे देखते उड़ाओगे। अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा, नॉट, सी आंसर बनेगा, क्योंकि अनलेस और नॉट यानी कि डबल नेगेटिव और एक क्लॉज में डबल नेगेटिव नहीं होते। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। See, let's see. I was disappointed. मैं निराश था। When I came, जब मैं तुम्हें last evening मिलने आया, तो come plus infinitive, two plus even, किस purpose के लिए आया? I come to see you. तो when I came for seeing you नहीं, when I came to see you, मैं तुम्हें मिलने आया। तो two plus even आएगा ना कि for. Come के पीछे preposition for नहीं आती, ठीक है? तो ये कोई purpose भी नहीं है। तो सीधा infinitive आएगा, come to see you. When I came to see you. सर एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया। हाँ बेटा रिजल्ट आ गया, तू रिजल्ट चेक कर ले, लेट हो गया तो चेक कर ले। इजी बट ट्रिकी, देखते हैं कौन पकड़ेगा इसको। आसान लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ जी आओ। बी, बी नहीं, मुझे नहीं लग रहा था आप निकाल लोगे। सुनो ध्यान से, आपको इस सेंटेंस में ये क्या दिखाई दे रहा है, बाय। बाय सीधा सीधा क्या होती है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब हो तो वो किस में चली जाती है, जिरेंड में। प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो उसका क्या बन जाएगा, जिरेंड बन जाएगा साहब। तो बाय एब्सटेन का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम, यानी कि वोट देने से बचने पर, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ए में ही एरर था इसका। किस किसने पकड़ी ये बात जरा बताओ फटाफट, ये प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट किस किसने पकड़ा था यहां पर।
किसने पकड़ा ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट? इट्स ऑन एक साथ नहीं आते, किसने कहा एक साथ नहीं आते? नालायक आदमी आते हैं, एक साथ ही आते हैं। चलो फिर इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसा मानना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दैट अ मैन हु एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपके ठीक कर दूं। बस अब बताओ, वुड नहीं, वुड नहीं, सुनो ध्यान, कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी कठिन, ऐसा समझना बिल्कुल, ऐसा मानना बिल्कुल भी कठिन नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि एक व्यक्ति जो इस शहर में एक लंबे समय रह लिया हो, जैसे देहरादून में अगर कोई लंबे समय रह ले तो वही व्यक्ति, ध्यान रखना जब बेटा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है ना तो यही सब्जेक्ट का काम करता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि वही सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां पर ही हट जाएगा। तो व्यक्ति हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी विल नेवर फील एट होम, उसे कहीं और अच्छा नहीं लगेगा, तो ही का इस्तेमाल हट जाएगा। अगर इसे मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे समझ लो दैट आई मेट अ पर्सन हु He was playing football. मैं एक व्यक्ति से मिला है जो फुटबॉल खेल रहा था, मान लो ऐसा आ गया। अब मुझे बताओ हु खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो यहां ही का क्या रोल है? ही तो आएगा ही नहीं, हु ही सब्जेक्ट, हु वॉज प्लेइंग। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आगे सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहां से क्या हट जाएगा? ही हट जाएगा यहां से। लगाओ भाई दिमाग, इजी कहूंगा, इजी दिखने में बड़ा टफ सा लग रहा है लेकिन इजी कहूंगा, देखता हूं कितने सेकंड में सबसे पहले कौन पकड़ेगा उसी का नाम लेंगे यहां पर। अभी मिथुन क्या कह रहा है, देख रहे हो विनोद कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ भाई किसने पकड़ा ये क्वेश्चन, फटाफट बताओ। अमित ने पकड़ लिया, अमित चुनमुन, चुनमुन कैसे कैसे नाम रखते हो, कृषि कृषि पता भी नहीं चलता तुम्हारा नाम, लड़की हो या लड़के हो। है द लीग स्टेज ऑफ द आईपीएल, आईपीएल की जो लीग स्टेज है वो मुंबई और पुणे में कंडक्ट होगी, तो भाई साहब द लीग स्टेज ऑफ द आईपीएल विल कंडक्ट मुंबई एंड पुणे, यानी कि वो कराई जाएगी, कंडक्ट कराई जाएगी, तो मॉडल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो पैसिव बना दो इसका, विल बी कंडक्टेड, ठीक है। इन इन यहां पर प्रीपोजिशन वो गलती से छूट गया, इन पुणे एंड मुंबई। चलो डरना नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है। ये प्राइस हाइक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, प्राइस हाइक्स। ये लाइव बॉय,
एक मिस्टेक में थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा, इस बच्चे ने एक पॉइंट छोड़ रखा है। बस अब क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो गया, अब करो इसको सॉल्व। यहां पर लास्ट ईयर है, इसके बाद अक्रॉस स्टॉक फरवरी के बाद लास्ट ईयर। हाँ स्पेलिंग एरर जरूर निकलवा रहा हूं मैं तुमसे, लाइफ बॉय की स्पेलिंग गलत है। अच्छा एक सेकेंड, वो तो मैं बॉय समझ गया, लाइफ बॉय सही है, वो तो स्पेलिंग सही है। आ जाओ जरा, ये तो ठीक है, आ जाओ यहां पे आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, इंडियाज लार्जेस्ट पैकेज कंज्यूमर गुड्स कंपनी। कई बच्चे कह रहे हैं सर हैज का है वो जाएगा, बेटा कंपनी तो एक ही है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, तो हैज का हैव नहीं होगा। अब सुनो, उसने कीमतें और बढ़ा दी हैं, लेकिन ये कब बढ़ाई? लास्ट ईयर, पिछले साल। तो ये काम कब हुआ? पास्ट में। और जब ये पास्ट में हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? टुक हेड, तो पास्ट इंडेफ पास्ट परफेक्ट आएगा, हमें लगाना है पास्ट इंडेफ। टुक फर्दर प्राइस हाइक, तो ये पास्ट में चला जाएगा क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर, ये घटना कब हुई? लास्ट ईयर, तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा। पेड बैच के बारे में भाई अब सर ही बताएंगे यार। द वर्ल्ड बैंक अथॉरिटीज होल्ड ऑन ऑनलाइन मीटिंग विद अराउंड 2 dozen विलेजर्स ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को कितने लोगों के साथ हुई? अराउंड 2 dozen विलेजर, 2 दर्जन गांव वालों के साथ। किसने की ये मीटिंग? द वर्ल्ड बैंक अथॉरिटीज ने। कैसी मीटिंग की? ऑनलाइन मीटिंग की। वॉज ऑल्सो अटेंडेड, ये मीटिंग ऑल्सो अटेंड की गई बाय दोज विलेजर्स, उन गांव वालों के साथ हु हैड रेफ्यूज टू रिलोकेट फॉर द HEB प्रोजेक्ट इन 2009, जिन्होंने 2009 में इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया था। तो आंसर बताओ फटाफट, कौन सा बैठेगा? आ जाओ मैं बताता हूं फटाफट कैसे क्या बनेगा। द वर्ल्ड बैंक अथॉरिटीज, अभी सुनो, ये काम आपको कब दिखाई दे रहा है? ये सब घटना कब हुई है? पास्ट में। जब ये घटना पास्ट में हुई है तो ये मीटिंग भी कब हुई होगी? पास्ट में। और जब मीटिंग पास्ट में हुई है तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? हेल्ड। होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड। हाँ हो गया। नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स एंड जी एंटरटेनमेंट। ने क्या कहा? लेट्स सी कौन पकड़ेगा। सोनी पिक्चर्स एंड जी एंटरटेनमेंट ने कहा सैड, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई आपकी? पास्ट में। हिंट दे दिया, आप देखो कौन पकड़ेगा। सर मेरे 59.75 हैं, बहुत हैं भाई। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो जाए तो आपका स्पीच भी किस में हो जाता है? पास्ट में। तो यहां हैव की जगह आपने क्या लगाना था? हेड, कि उन्होंने ये डील साइन की है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहां प्रपोजिशन ऑफ छूट गया है, वो लिख लो। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन कौन करेगा क्लास का? मैं मोबाइल उठा लूं, कौन आखिरी क्वेश्चन करने वाला है? सबसे पहले उसी का नाम लेंगे जरा, कौन है?
खड़गवासला वाला धुरंधर। मनीष, तनु, विपिन, जितेंद्र। चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबल लॉरिएट और ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, जिन्होंने शांति निकेतन की क्या की स्थापना, और स्थापना करना, फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है फाउंडेड, और पाना क्या होता है फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड। तो फाइंड फाउंड फाउंड और स्थापना करना फाउंडेड फाउंडेड। तो ये क्वेश्चन था भाई। तो चलो भाई, कैसे रहे क्वेश्चंस आज? आपने ग्रामर का भी दमखम देख लिया, कमेंट में लिख के जरूर बताएं कैसा रहा सेशन आप लोगों के लिए, कैसे क्वेश्चंस रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और पीक्यूआरएस की पीडीएफ आपके टेलीग्राम में डलवा दी जाएगी, ये पीडीएफ भी डलवा देंगे, ठीक है? और आपकी वो वाली पीडीएफ भी अभी डलवा देंगे, यानी कि कौन सी, ईडीएम वाली हो गई है, और आप रिवाइज कर लेना इसके बाद, ठीक। एयरफोर्स वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जिनको हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो पूरे जोश और ताकत के साथ लग जाएं, क्योंकि ध्यान रखना जीवन में खुद ही उठना पड़ता है और दोबारा चलना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे अभी बहुत खुश होंगे, जीडी आएगी तो बहुत सारे निराश होंगे, बहुत सारे उसमें भी खुश होंगे, ठीक है? तो जीवन में ये हार गिर ऊंच नीच, हार का और जीतने का फैसला चलता रहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग कई बार जब हार जाते हैं तो टूट जाते हैं। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि टूटने का समय नहीं है, जब भी थकने का मन करे तो बस एक बात ध्यान रख लेना कि कोई है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे पूरे किए हुए सपने को, पूरा किए हुए सपने को देखने के लिए इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारे माँ बाप होते हैं, ठीक है? और वो तुम्हारे टीचर्स होते हैं। तो इसीलिए हारना नहीं है, झुकना नहीं है, बिल्कुल। एनडीए वालों, 4 तारीख को पेपर है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन्हीं की तरह जैसे आज बच्चे आ रहे हैं निकल के, सर मेरा हो गया मेरा हो गया, आप लोग भी ऐसे ही निकल कर आओगे, ठीक है? तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल सभी लोगों को, आप लोगों नेक्स्ट क्लास में। कल शायद मेरी क्लास ना हो, अगर होगी तो आपको पहले बता दिया, नहीं होगी तो शेड्यूल उसी हिसाब से लगेगा, क्योंकि कल शायद रक्षाबंधन है और मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स सी जो भी होगा, ठीक। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, ठीक है? विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, ठीक है? तो बाकी लड़कों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि जेब खाली है ना, कोई बात नहीं, अगले साल तक भर जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी जहां पर अगर आप घर पे हैं राखी जरूर बंधवाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी होता है, आशीर्वाद भी और साथ सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, जो आपकी सिस्टर्स को जरूरी चाहिए होता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक वचन दे सकते हो कि भविष्य में आप उनका साथ जरूर दोगे, ठीक है? और आप उनके लिए बहुत चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, उससे भी अच्छी अच्छी करोगे, ठीक है? तो ये सब यूं ही चलता रहता जिंदगी भर, आप यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे फिर आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।